गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का हमारे इस बड़े वाले व्लॉग में। आज का व्लॉग ना थोड़ा सा शॉकिंग होगा या नहीं भी होगा। जो लोग मेरे शॉर्ट व्लॉग्स देखते हैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर, उन लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम ना यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं। अब शिफ्ट कहाँ होने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। तो हम जो सारा सामान खरीद कर लेकर आए थे ना काफी टाइम पहले, बहुत टाइम हो गया है सामान वगैरह खरीद के सब, तब बहुत लोगों ने अज्यूम किया था कि शायद श्रीहित आपकी शादी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, शिफ्ट होने वाली थी ना, इसीलिए हम थोड़े 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 सामान खरीद रहे थे, जुटा रहे थे। तो आज उसी सारे सामान को हमको पैक करना है क्योंकि अभी जाने के दिन जो है वो बहुत ज्यादा पास में आ गए, लेकिन अभी तक के मेरी कुछ भी पैकिंग ही नहीं हुई है। कुछ भी पैक नहीं किया मैंने, लिटरली ना मैंने कपड़े पैक किए, ना मैंने बर्तन पैक किए है, ना मैंने अभी गाड़ी भी मुझे पैक करनी है। अब गाड़ी को कैसे पैक करते हैं वो मुझे खुद यूट्यूब पर देख कर पैक करना पड़ेगा। कबर्ड पैक नहीं किया, ऐसी ही बहुत सारी चीजें है यार जो मैंने पैक ही नहीं की है अभी तक के। मेन तो मेरा गद्दा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, अब उसको कैसे पैक करना है वो भी मुझे देखना पड़ेगा। पैक मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना मैंने इधर उधर थोड़ा मूवर्स और पैकर्स को कॉल किया था, बट मूवर्स और पैकर्स इतना ज़्यादा मतलब चार्ज कर रहे हैं ना फॉर टेम्पो, जो सिंपल जो बुलेरो पिकअप जो होती है, जिनको पता होगा पिकअप के बारे में, सिर्फ उसी का दे आर चार्जिंग मी लाइक 32-35 के, मतलब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए। वो मैंने सोचा कि हम कोई लोकल गाड़ी पकड़ते हैं और उसमें हमारा सारा सामान हम खुद पैक करते हैं, बस चढ़ाने के लिए हमें कुछ लोग लगेंगे, दैट्स इट। और हमारा काम जो 30,000 में होने वाला था ना, वो मेरा काम कुछ आई गेस 12-13,000 में ही हो गया। अब आप ही सोचो 30,000 में और 12,000 में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। मतलब अगर ऊपर से भी राउंड फिगर पकड़ा तो मेरे 15,000 बच गए, जिसमें हम हमारा और भी घरेलू आइटम खरीद सकते हैं। तो अभी जो ये वाले कॉर्नर में आप लोगों को हमारा सामान दिख रहा है ना, ये वाला मुझे पूरा पैक करना है। इस सूटकेस, ये वाली सूटकेस जो है ये तो फोर व्हीलर में जाएगी। ये पानी का कैन है, इसको भी पैक करना है। ये कुछ बर्तन है, इसे भी पैक करना है। और बाकी के जो बर्तन है ना वो ये है, तो इसे भी पैक करना है। इसके लिए ऑलरेडी मैं कार्टन लेकर आ गई हूँ। मेरे पास में ही एक शॉप है लोकल किराना की, वहां से हमने कार्टन लेकर आए जिसमें हम सारे बर्तन पैक करने वाले। तो चलो फिर अब इंतजार किस बात का है, फटाफट से ना हम पैक करते हैं। पीछे भी आप लोगों को वहां पे सामान दिख रहा होगा जो पैकिंग करने के लिए बाकी है। मम्मी ने ना सारा सामान बाहर निकाल दिया है और अब मुझे बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है सामान देख के, क्योंकि ये मुझे अकेले को पैक करना है। और ये सामान के जस्ट बाजू में गज्जू सोई हुई है जिसपे हमारा ध्यान ही नहीं गया। वैसे तो पता है ये वाले वीडियो को ना मैंने बहुत ही ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड किया है, लेकिन ये काम करने में मुझे कम से कम 3-4 घंटे तो लग ही गए। पैक कर हमारी सारी चीजें हो चुकी है, लेकिन पता है पैक करते करते मुझे इतनी ज्यादा नींद आने लग गई और फिर भूख भी लग गई थी, और मेरे पेट में जैसे ही कुछ जाता है ना तो मुझे बहुत और जोर से नींद आने लगती है। तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और घर में दूध खत्म हो गया था, तो मैं दूध लेकर आई हूँ और उसके साथ खारी लेकर आई हूँ खाने के लिए। चलो फिर फटाफट से अपने लिए चाय बनाते हैं। मम्मी चिल्लाएगी, क्या हुआ, किसने क्या बोला, दूध लेकर आई हूँ तो चाहिए क्या। दूध का पैकेट मैंने जैसे ही ओटे पे रखा ना, वैसे ही वो सूंघने के लिए ऊपर चढ़ गई। और नहीं नहीं चढ़ी तू, मतलब मैं झूठ बता रही हूँ क्या लोगों को, चढ़ी तू, नहीं, बैड मैनर। तो चलो फिर अपने लिए एक चाय ब्रेक लेते हैं, क्योंकि चाय पीने के बाद हमें हमारा YouTube प्ले बटन भी तो पैक करना है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है भैया, लेकिन इसे बहुत ज्यादा अच्छे से पैक करना होगा। अब ये छोटा वाला कबर्ड हमने बाहर लाया है और इसको पैक करना है। पहले तो इसको रैप करते हैं। मेरी ना बाकी की छोटी छोटी चीजें रैप करने में एकदम जान निकल चुकी है। चलो फाइनली भैया, अब ये सब काम करने के बाद ना हमें जाना है कार में, क्योंकि कार की बहुत सारी सफाई करना बाकी है सामान रखने के पहले। सोचा था कार को वॉशिंग में दे दूंगी, लेकिन अब ना उस चीज का टाइम ही नहीं है, इसलिए हमें सारी चीजें खुद ही करनी पड़ रही है। तो फाइनली हम बोरे भर चुके हैं, और ये बोरे हमने क्यों भरे वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि टस्की और क्लोई ना अगर मतलब यहाँ पर आए भी तो वो सीट के नीचे नहीं जाने वाले थे। पिछली बार मैं जब पेंच गई थी तब सामने के सीट के अंदर से वो डैशबोर्ड के अंदर घुस गई थी, तो मैं नहीं चाहती कि वो इस बार भी हो, इसलिए हम ये कपड़ों का फिलर यहाँ पे रहे ताकि भाई को भी पीछे कंफर्टेबल हो और मेरे बच्चे भी आराम से जर्नी कर पाए। लेकिन अभी भी भाई के इतने कपड़े बाकी है जो हम बीच में भरने वाले हैं, जिसके लिए भाई अभी लेने गया है एक और बोरा, वो यहाँ पर आ जाएगा और फिर हम इस पे एक बेडशीट बिछाएंगे, तो ये थोड़ा काइंड ऑफ बाबू को बेड वाली फीलिंग तो दे ही देगा पूरे जर्नी। ये भाई मेरा बोरा लेने के लिए घर गया था और वो ऐसा बोरा लेकर आया है, इसमें मैं कपड़े कैसे भरने वाली हूँ। अबे मम्मी बाबू तो सच, मम्मी बोली नीचे फेंका है,
नहीं बाबू तू कोई काम का नहीं है। चल अभी बैठ के बता कैसा तैयार किया है तो मैंने बेड। अबे तूने नहीं मैंने किया है। कैसा लग रहा है फिर तुझे? चल अभी इसके पैसे निकालिए जो बेड तैयार करके दिया है तेको। मेरा ही बेड है। कितने पैसे देगा ये बनाने के लिए? मेरा ही बेड है। तू मेरे को कितने पैसे देगा मुझे बनाने के लिए? वैसे बेड के पैसे इससे अच्छा तुम बाहर सो जाओ। तो हम लोगों ने गाड़ी तो पैक कर दी है और गाड़ी में भाई के कपड़े भी रख दिए, लेकिन मेरी बैग अभी तक के पैक होने की है जो अभी हम करेंगे, क्योंकि मेरे कपड़े बहुत ज्यादा है और मुझे नहीं लगता कि वो गाड़ी में आ पाएंगे। तो थोड़े बहुत मुझे मेरे साथ फोर व्हीलर में लेकर जाने पड़ेंगे और थोड़े बहुत मैं सोच रही हूँ जो हम लोगों ने मूवर्स और पैकर्स किए ना उसके साथ भेजेंगे। तो चलो फिर फटाफट से पैकिंग स्टार्ट करते हैं। यार ये टस्की और ग्लू ना बहुत ज्यादा परेशान करते हैं मुझे। मुझे नहीं लगता मम्मी ये जो इतना बड़ा झोला लेकर आई है इसमें भी मेरे कपड़े आने वाले हैं। लेट अस ट्राई, इसमें आ ही जाए मेरे कपड़े। मुझे तो कोई ऐसे क्या बोलते हैं उसको, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें मेरे कपड़े आएंगे, फिर भी मैं ठूसने की कोशिश करती हूँ। ये भर गया है, लेकिन अभी भी मेरे ये वाला बैग बचा हुआ है, यहाँ पर मेरे स्वेटर्स हैं वो बचे हुए हैं, नीचे वाले कबर्ड में भी मतलब मम्मी सॉरी भाई का जो बेडरूम है उसमें भी बहुत सारी कुर्तियाँ रखी हुई है वो भी बचा है, नाइट ड्रेसेस भी रखने बचे हैं जो मम्मी ने नए नए सिले हैं। बाप रे, मुझे अभी और एक्स्ट्रा बैग्स लगेंगे। पता है इतने सारे कपड़े हैं ना कि ये वाला जो एक झोला है इसमें तो पूरे कपड़े आए नहीं हैं, और मुझे नहीं लगता कि सूटकेस में भी आएंगे, क्योंकि सूटकेस में मैं थोड़े डेली वेयर कपड़े डालूंगी और बाकी झोले में मैंने वो वाले कपड़े डाले हैं जो मैं कभी कभी पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी पहनने वाले कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मम्मी और मुझे शायद और झोले लेने के लिए जाना हो सकता है। फिर कबर्ड को देख के तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरे कपड़े ये सूटकेस और एक झोले में आ जाएंगे, लेकिन ये इसमें भी नहीं आ रहे। स्ट्रगल, द स्ट्रगल इज रियल। फाइनली हमने हमारे सारे कपड़े भर दिए हैं, सारी पैकिंग हो चुकी हैं, बस वेट है कि वो सामान ना थोड़ा अच्छे से गाड़ी पर वो लोग चढ़ाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी सामान टूटे। तो स्टील के जो बर्तन वगैरह होते हैं वो तो टूटते नहीं है, लेकिन प्लास्टिक का बहुत सारा सामान है मेरा, डब्बे डुब्बे है जो मैंने रिसेंटली खरीदे, तो मैं नहीं चाहती कि वो खराब हो। बट उस पर अभी तक के मैं फ्रजाइल लिखने की हूँ तो वो अभी लिखना बाकी है। बाकी का तो सारा सामान हमारा पैक हो चुका है, लेकिन गाड़ी में अभी तक के भरने के हैं, वो भी भरना पड़ेगा मुझे गाड़ी के डिक्की के पीछे हमें कितना सामान आएगा और कितना सामान हमें गाड़ी में लेकर जाना है और कितना सामान हमें मूवर्स और पैकर्स के साथ भेजना है। लेकिन पता है मैं सच बता रही हूँ यार, ये शिफ्टिंग के चक्कर में ना मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ फटाफट से अपने लिए खाना बनाते हैं और खाने भेजते हैं। मैंने ना जस्ट अभी मेरा वाला जो अलमीरा था, अलमीरा भी नहीं बोलूंगे यार, कवर्ड एकदम छोटा सा जिसमें मैं कपड़े रखती थी, वो अभी हमने यहाँ से सरकाया है। तो यहाँ पर इतना सारा कचरा दिख रहा है, और जो आपको दिख रहा है ना ये कचरा, ये धूल नहीं है, ये टस्की और क्लोई के बाल है जो यहाँ पर जमा हो गए हैं, और ये बहुत सारा है यार, मतलब इसको साफ करने में ही टस्की और क्लोई ने मेरी कंघी डाली है, मेरा रबर बैंड डाला है जो बिल्कुल काम का नहीं है, और कुछ पेंसिल्स डाले हैं, दवाई डाल दी है मेरी। तो फिर हमारा लंच वगैरह हो चुका है, सारी तैयारियां मैं कर चुकी हूँ, अब बस वेट है कल का कि गाड़ी आएगी और मम्मी उसमें सामान रखवाएगी, क्योंकि हम तो रहेंगे नहीं, हम एक दिन पहले निकल रहे हैं। एज यू नो मैं थोड़ी लर्नर हूँ तो मुझे टाइम लगता है, मैं रुक रुक कर जाऊंगी, तो एक दो स्टॉप्स लेने वाली हूँ मैं जाने के लिए बीच में, इसलिए हम पहले ही निकल रहे हैं। तो ये वाला व्लॉग ना मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट करो लाइक बटन को, कमेंट करके बताओ कि क्या अच्छा लगा, और हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।